लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने 3 दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 1 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक की आपत्ति के निराकरण की मांग की थी और 3 दिन तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद मंगलवार तक तालाबंदी टाल दी गई है। 10 तारीख को अल्टीमेटम पूरा होने पर कोई भी निराकरण न होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका परिषद के 1 कार्यालय सहित सीएमओ कक्ष में ताला लगा दिया था। इसी बीच कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का संदेश लेकर एसडीएम आरती यादव, डिप्टी कलेक्टर ब्रजेंद्र यादव और तहसीलदार आशुतोष शर्मा नगर पालिका कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने कलेक्टर द्वारा सोमवार तक शासन के निर्देश का पत्र लिखित तौर पर मांगने की बात कही। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने एक दिन बाद भी मंगलवार को रोकने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मंगलवार तक बैठक के संबंध में निर्णय नहीं होता है तो कार्यालय में तालाबंदी के साथ साथ नगर पालिका से की जाने वाली तमाम सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 1 अक्टूबर को जो हमारी परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें जनहित से जुड़े हुए 88 मुद्दे परिषद ने सर्वसम्मति से पास किए थे, उन मुद्दों को शिकायत करके विधायक जी ने उस बैठक को निलंबित माननीय कलेक्टर साहब से करा दिया था। कलेक्टर साहब ने निलंबित करके आयुक्त महोदय को भेजा है, जिसका निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। हमने कलेक्टर साहब को 3 दिन पहले ये निवेदन किया था कि आप इसका निराकरण कराएं, अन्यथा हम ताला नगर पालिका परिषद में कोई काम नहीं कर पा रहे, ताला डालने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज हमने तालाबंदी यहाँ पर की। एसडीएम साहब कलेक्टर साहब का संदेश लेके आए, उन्होंने कहा कि सोमवार तक हम ये जो है आपकी निराकरण हो जाएगा। हमने कहा सोमवार आप कह रहे हैं, एक दिन और मंगलवार तक, क्योंकि नगर पालिका परिषद जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध है, जनता की सीधी सेवाएं जनता की नगर पालिका के माध्यम से मिलती हैं, पानी बिजली साफ़ सफाई ये सब प्रभावित हो जाएगी। और अगर मंगलवार तक अगर उसका निराकरण नहीं होता तो हम मजबूरी में फिर समस्त सेवाएं नगर पालिका की, पानी बिजली और ये जनता के बीच में ले जाकर और हम बंद करें। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी तालाबंदी का ले आए थे, तो इससे संबंधित एक एजेंडा पे बैठक हुई थी 1 अक्टूबर को, जिसका निलंबन करने का प्रस्ताव माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा शासन को भेजा गया है। तो उसी से संबंधित माननीय टंडन जी का ये निवेदन था कि यदि निलंबन होता है तो दोबारा समिति की बैठक हो जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना जाए। तो इसी के लिए उनकी मांग थी और हमारे कलेक्टर साहब द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि निश्चित तौर पर हम मंगलवार तक शासन का जो भी पक्ष है उसमें हम लिखित में प्राप्त कर लेंगे और वैसी कार्यवाही करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।